दोस्तों अपने सभी क्रिएटर्स को जो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनको यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर हर जगह आप उन्हें कहते हुए सुना होगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए या फिर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए, जो भी है मतलब। तो आपको क्या लगता है कि सारी अर्निंग उनकी उसी चीज़ से होती है या फिर अर्निंग होती भी है या नहीं होती, आखिर इतना फोर्स क्यों करते हैं ये लोग सब कहने के लिए? तो इसी को हम पर्दाफाश करने वाले हैं, एक्सपोज करने वाले हैं इस चीज़ को। आखिर ये इसका रीज़न क्या है इतना कहने का, इनका क्या कारण है? क्या सारी अर्निंग इससे होती है? अगर नहीं होती है तो और किससे अर्निंग होती है? तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर इसका राज क्या है कहने का। देखिए मैं समराइज करना चाहूँ कि लाइक से या सब्सक्राइब या फिर फॉलो करने से उसको उनको सारी अर्निंग उन्हीं से होती है और सारे पैसे उसी से आते हैं, भंडार इकट्ठा हो जाता है इस चीज़ से। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब उससे अर्निंग नहीं होती है, अर्निंग का सोर्स क्या है वो बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखिए यूट्यूब की बात करूँ मैं, तो यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और अब वो आपसे क्रिएटर कह रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या फिर शेयर करिए, तो एकदम स्ट्रेट जवाब देना चाहूँ मैं कि उससे उसको कोई अर्निंग नहीं है। मतलब कोई एक रुपया तक नहीं आता आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से, ठीक है। तो आखिर क्यों कहता है वो? मैं दूसरे का क्यों ले रहा हूँ भाई, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करता हूँ, तो आप भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्यों कहा ये आपसे, देखिए इसका एल्गोरिथम मैं बताता हूँ यूट्यूब पर, कि यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा रिकमेंडेशन में क्यों भेजता है। आपने जो लाखों लाखों व्यूज़ देखे होंगे, मिलियंस व्यूज़ आते हैं, वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो मैं यूट्यूब का एल्गोरिथम बताता हूँ। जब भी आपसे हम लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं, देखिए सब्सक्रिप्शन का मतलब बताता हूँ मैं सबसे पहले क्या है। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे रेगुलर कस्टमर की तरह बन जाते हैं, मतलब एक कस्टमर समझ लीजिएगा। मतलब आपको कोई नीड होगी तो आप हमारे मतलब आप पास आएंगे और आप हमारा सामान लेकर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको इनडायरेक्टली यूट्यूब पे मैं बताऊं, जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे, अगर आपने हमारा सब्सक्राइब कर दिया, जब हम न्यू कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो फीड पर आपको दिखेगा हमारा वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है क्योंकि आप हमें पसंद करते हैं, आप हमारा कंटेंट देखना चाहते हैं, इसलिए आपने सब्सक्राइब किया। तो ये वजह है कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हमारा यूजर बेस बढ़ता है, हमारी ऑडियंस बढ़ती है और इससे क्या होता है कि हमारे व्यूज भी बढ़ते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो व्यूज बढ़ने से मतलब है तो अर्निंग होती है ना, तो अर्निंग का मैं बाद में बताता हूँ आखिर होता क्या है। तो ये हो गया सब्सक्राइब करने का मतलब। लाइक का मतलब क्या होता है कि लाइक होते हैं एंगेजमेंट में जाते हैं ये, कि हमारी वीडियो पर एंगेजमेंट कितना मिल रहा है, यानी कि यूट्यूब को ऐसा लगता है कि अगर लाइक जितने ज्यादा होंगे कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लाइक का मतलब ही पसंद करना होता है, तो यूट्यूब को भी ये लगता है कि पसंद कर रहे हैं, कि इस वीडियो पर इतने ज्यादा लाइक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये वीडियो अच्छी है, तो वो उसको खुद से रिकमेंड करता है और लोगों के सामने ज्यादा कुछ देखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लाइक करने के लिए बोलते हैं ताकि उसका एंगेजमेंट बहुत अच्छा बना रहे। शेयर करने के लिए इतने करते हैं, अगर शेयर भी आप करेंगे लोगों के पास तो लोग तो वो जो जिसको भी शेयर करेंगे वो तो आएंगे ही देखने, और इससे व्यूज भी बढ़ेगा, वो लाइक भी करेंगे, और ऊपर से शेयर करने से यूट्यूब को ऐसा मतलब सिग्नल जाता है कि ये वीडियो अच्छी है, लोग इसको शेयर कर रहे हैं, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वो उसको खुद से रिकमेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के, ठीक है। तो इससे हमें कोई अर्निंग नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली अर्निंग भी होती है। तो अर्निंग कैसे होती है, देखिए अर्निंग हमारी होती है जब भी आप कोई भी वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो उसका जो ऐड आता है ना, जो स्टार्टिंग में आए चाहे बीच में आए, कहीं भी आए, ऐड आए, उससे अर्निंग होती है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब से कोई अर्निंग नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली होती है। इनडायरेक्टली मतलब ये, जब आप किसी को शेयर करेंगे तो व्यूज आएगा, यानी कि वो देखेगा वीडियो को, देखेगा तो अर्निंग होगी। केवल आपको वीडियो पर आने से ही हमारी अर्निंग हो जाती है अगर ऐड आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता बहुत है यार, कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता घंटा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता बहुत है, इसलिए कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली अर्निंग होती है, डायरेक्टली उससे कोई अर्निंग नहीं है। तो यूट्यूब का रहा ये। अब इंस्टाग्राम की बात करते हैं, सेम टू सेम जैसे एल्गोरिथम मैंने अभी उस पर बताया आपको कि ऐसा ऐसा सिग्नल जाता है, अगर आप लाइक करते हैं कोई भी रील्स को, कोई भी फोटो को, कोई पोस्ट को और कमेंट करते हैं उस पर, तो जितना एंगेजमेंट उस पर ज्यादा अच्छा होगा तो उतना ही सिग्नल अच्छा जाता है इन प्लेटफॉर्म को, और वो खुद से रिकमेंड करता है, खुद से इंप्रेशन उसके ज्यादा देता है, लोगों के सामने भेजता है उसको, लोग क्लिक करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। वायरल होने का चांसेस भी ऐसे ही बढ़ते हैं किसी भी वीडियो को, किसी भी पोस्ट को, किसी भी रील को, ठीक है। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए आपसे बोला जाता है। और इंस्टाग्राम पर अर्निंग कैसे होती है उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये पर देख सकते हैं, क्योंकि लाइक शेयर या फिर कमेंट करने से या फिर फॉलो करने से इंस्टाग्राम पर कोई अर्निंग नहीं होती, ठीक है, और ना ही इंस्टाग्राम पर ऐड आते हैं लेकिन वो उससे अर्निंग नहीं होती। तो इससे अर्निंग कैसे होती है इंस्टाग्राम पर, तो ये डिटेल वीडियो जो आई बटन में लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं डायरेक्टली जाकर। तो यही मतलब होता है, यही सब रीजन है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कहने का, सभी क्रिएटर इसलिए फोर्स करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।